अब उनके पास समय बड़ा कम है, लोग कहेंगे आगे बढ़िए, लेकिन यहाँ इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, इसे हमसे रहा नहीं है। हम अपील मात्र आप लोगों से करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग हम लोगों के परिवार के जैसे समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, और आशीर्वाद देने हमको यहाँ आए हैं। हम खाली अपील करते हैं आप लोगों को कि 25 तारीख को वोटिंग है, वोट हम लोगों के पास है, उसको बस ईवीएम में पहुँचाने का काम है। इसलिए अलग अलग अपने अपने गाँवों में टोलों में लोगों को उस दिन निकालने का काम करें और मैक्सिमम पोलिंग कराने का काम करें। मुख्य मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में जो है, आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ने क्या वादा खिलाफी की है पिछले 10 सालों में, किसी से छुपा नहीं है कि हमारे मैनिफेस्टो में है 5-6 मुख्य मुद्दे हम बता के जाना चाहते हैं। अगर इंडिया अलायंस की सरकार होती है, गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया साल के परिवार की किसी एक महिला को दिया जाएगा, और ये कोई चुनावी वादा नहीं है। मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया देश के 22 पूंजीपतियों का, उसके एवज में हम लोग ये लेके आए हैं। इतना ही पैसा हम लोग गरीब को देने का काम करेंगे। जो हमारे युवा साथी, जो भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर ग्रेजुएट है युवा साथी तो सरकार उनको गारंटी इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल कराने का काम करेंगी 1,00,000 रुपये का। जो सिलेंडर है गैस सिलेंडर, उसका दाम घटा के हम लोग 500 करेंगे, बिजली 200 यूनिट कोई हो जाएगी। हमारे जो किसान साथी उनके एमएसपी पे काम करेगा और उसमें गारंटी मिलेगी। जैसे बिहार जैसे राज्यों में खास करके बिजली खा जाते हैं दिल से, और आप लोग आना पंजाब हरियाणा जाता है सासाराम बक्सर के माध्यम से, और वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पंजाब हरियाणा का इतना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन सही महीने में वो प्रोड्यूस जो वहाँ बिकता है वो बिहार का, इससे यहाँ किसानों को बड़ा फायदा होगा, साथ में इंडस्ट्री को भी दुगना किया जाएगा, किसानों की आय दुगना हो जाएगा। उसे बिहार जैसे राज्यों में किसी बिचौलिए खा जाते हैं, उस बिहार जैसे राज्यों में 2.5 से 2.5 गुना किसानों की आय बढ़ने का काम होगा। यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे, साथ में जो भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है किसान साथियों को, उसमें से GST हटा दी जाएगी। GST के मल्टीपल जो दर्ज हैं उसको हटाने से एक GST लागू होगी और कम दर पे लागू होगी। किसान साथियों के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट पे कोई GST नहीं लगेगी। साथियों, ये सब मुख्य मुद्दे हैं, इसको फैलाने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद, हम आगे बढ़ेंगे। जय महाराज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।